नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं हम कैरियर मेकर इंस्टीट्यूट में। हमेशा की तरह आज हम फिर हाजिर हैं 9 जून 2023 का करंट अफेयर लेकर के। और हर नई क्लास शुरू होने के पहले हम पिछले वीडियो में दिए गए प्रश्न, जिसके आंसर की प्रतीक्षा हम आप कमेंट्स बॉक्स में करते हैं, वो प्रश्न को देखते हैं। सभी मित्रों ने किया है और सभी के जवाब लगभग सही हैं, तो देखते हैं हमारा कल का प्रश्न क्या था। हमारा प्रश्न था कि किस देश ने ऑब्स्टेट्रिक फेस्टुला स्ट्रेटेजिक प्लान का अनावरण किया। किस देश ने ऑब्स्टेट्रिक फेस्टुला स्ट्रेटेजिक प्लान का अनावरण किया, ये प्रश्न था। चार ऑप्शंस थे, भारत, जाम्बिया, मलेशिया और जापान। तो सही जवाब था उसका जाम्बिया। जाम्बिया ने, आइए इसके बारे में कुछ डिटेल समझते हैं। ऑब्स्टेट्रिक फेस्टुला एक स्वास्थ्य स्थिति है जिसमें बच्चे को जन्म देने वाले मार्ग और मूत्र या पाचन तंत्र के बीच एक उद्घाटन होता है। जाम्बिया ने हाल ही में 2022 से 2026 की अवधि के लिए प्रसूति फिस्टुला रणनीतिक योजना का अनावरण किया। 23 मई को जाम्बिया ने प्रसूति नाल वर्ण के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 20 साल प्रगति पर पर्याप्त नहीं विषय के साथ मनाया। 2030 तक फिस्टुला को समाप्त करने के लिए अभी कार्य करें। 2018 तक देश में 33,000 से अधिक महिलाएं और लड़कियां प्रभावित थीं। हमारा आज के करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न है कि विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है, इसके लिए चार ऑप्शन है आपके पास, 8 जून, 9 जून, 10 जून और 11 जून। तो सही जवाब है 8 जून। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। 8 जून 2009 को पहला विश्व महासागर दिवस मनाया गया। इसके बाद से प्रतिवर्ष 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। यह दिवस सन 1992 में रियो दी जेनेरियो में हुए पृथ्वी ग्रह नामक फोरम में प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस मनाने के फैसले के बाद और सन 2008 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इस संबंध में आधिकारिक मान्यता दिए जाने के बाद मनाया जाने लगा। विश्व महासागर दिवस मनाने का प्रमुख कारण विश्व में महासागरों के महत्व और उनकी वजह से आने वाली चुनौतियों के बारे में विश्व में जागरूकता पैदा करना है। इसके अलावा महासागर से जुड़े पहलुओं जैसे खाद्य सुरक्षा, जैव विविधता, पारिस्थितिक संतुलन, सामुद्रिक संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग, जलवायु परिवर्तन आदि पर भी प्रकाश डालना है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ पूर्व ऐतिहासिक ढालपुर शिव मंदिर का उद्घाटन किया गया। ढालपुर, और इसको स्थानीय स्तर पर ढोलपुर भी कहते हैं, ढालपुर शिव मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? असम, जम्मू कश्मीर, मणिपुर या आंध्र प्रदेश में? तो असम में किया गया। यह है ढालपुर शिव मंदिर का ऊपरी हिस्सा, अभी इसका उद्घाटन किया गया है। यह पूर्व ऐतिहासिक मंदिर है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की सरकार ने डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र पेश किया है? चार ऑप्शन हैं, इजराइल, कनाडा, अमेरिका और भारत। तो भारत तो अभी नहीं है, सही जवाब है इसका इजराइल। इजराइल ने हाल ही में डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र पेश किया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के भिवंडी में भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित किया गया? चार ऑप्शन हैं, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। तो सही जवाब है दोस्तों, महाराष्ट्र में भिवंडी है। भिवंडी को कार्बन मुक्त गांव घोषित किया गया है। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व सुलोचना लाटकर का 94 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। वह कौन थी? वह लेखक, राजनीतिक, अभिनेत्री या चित्रकार? यह अभिनेत्री थी और इन्होंने चरित्र अभिनेत्री के रूप में बहुत काम किया है, विशेषकर माँ का रोल निभाती थी। इनके प्रिय कलाकार अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना थे। उनकी माँ बनने में इन्हें अच्छा
अच्छा लगता था। आगे प्रश्न है हमारा, हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के किस जिले का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर नगर रखा गया है? चार ऑप्शन है, नांदेड़, अमरावती, कोल्हापुर, अहमदनगर। तो सही जवाब है अहमदनगर। अहमदनगर को हाल ही में, ये महाराष्ट्र का एक जिला है जिसका नाम अहिल्याबाई होलकर रख दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, मई 2023 के महीने में माल और सेवा कर GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स राजस्व कितना एकत्रित किया गया? चार ऑप्शंस हैं, 1.17 लाख करोड़ रुपए, 1.27 लाख करोड़ रुपए, 1.37 लाख करोड़ रुपए, 1.57 लाख करोड़ रुपए। तो सही जवाब है 1.57 लाख करोड़ रुपया GST के रूप में एकत्रित किया गया। माल और सेवा कर GST राजस्व मई 2023 के महीने में वार्षिक आधार पर 12% बढ़कर 1.57 लाख करोड़ रुपए हो गया। वित्त मंत्रालय ने अप्रैल 2023 के महीने के लिए GST संग्रह 1.87 लाख करोड़ रुपए बताया, जो अब तक का सबसे अधिक है। लगातार 14 महीनों के लिए मासिक GST राजस्व 1.4 लाख करोड़ रुपए से अधिक, GST की स्थापना के बाद से पांचवीं बार 1.5 लाख करोड़ रुपए के पार यह आंकड़ा हो गया। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य ने MSMES के लिए राज्यव्यापी 15 दिवसीय मेगा पंजीकरण अभियान शुरू किया? किस राज्य ने MSMES के लिए राज्यव्यापी 15 दिवसीय मेगा पंजीकरण अभियान शुरू किया? चार ऑप्शंस हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम और गुजरात। तो सही जवाब है दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में MSMES के लिए राज्यव्यापी 15 दिवसीय मेगा परीक्षण अभियान शुरू किया। अभियान का उद्देश्य 14 लाख ऐसे MSME को कवर करना जो अभी तक MSAME के उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत नहीं है, और उन्हें राज्य सरकार की योजनाओं के सभी लाभ प्रदान करना है। राज्य में 90 लाख से अधिक सक्रिय MSME हैं, लेकिन पंजीकृत केवल 14 लाख हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश ने भारतीय क्षेत्र के माध्यम से बांग्लादेश को जल विद्युत निर्यात करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? किस देश ने भारतीय क्षेत्र के माध्यम से बांग्लादेश को जल विद्युत निर्यात करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? चार ऑप्शंस हैं, श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल और लाओस। तो सही जवाब है नेपाल। नेपाल ने, भारत और नेपाल ने भारतीय क्षेत्र के माध्यम से बांग्लादेश को नेपाल की जल विद्युत के निर्यात सहित ऊर्जा और परिवहन पर कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड 4 दिवसीय भारत या दौरे पर हैं। दोनों नेताओं ने वस्तुतः 6 कनेक्टिविटी परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें एकीकृत चेक पोस्ट, रेल लाइन और बिजली पारेषण परियोजनाओं का विकास शामिल है। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के साथ एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए और चीन द्वारा चेतावनी दी गई थी? चार ऑप्शंस हैं, ताइवान, यूक्रेन, भारत और श्रीलंका। तो सही जवाब है ताइवान, क्योंकि ताइवान को चीन अपना हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान अपने को स्वतंत्र राष्ट्र, और वह स्वतंत्र राष्ट्र की तरह व्यवहार करता है, जिससे चीन को बुरा लगता है और उसका साथ अमेरिका देता है, इस वजह से चीन ने उसको चेतावनी दी थी। संयुक्त राज्य अमेरिका और ताइवान ने एक ऐसे कदम पर दोनों पक्षों के बीच आर्थिक संबंधों को गहरा करने के उद्देश्य से एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे चीन से चेतावनी दी है। वाशिंगटन और ताइपे वास्तविक अमेरिकी दूतावास के माध्यम से बहु अरब डॉलर का वार्षिक व्यापार और अनौपचारिक संबंध बनाए रखते हैं। चीनी विदेश मंत्रालय ने वाशिंगटन पर ताइवान की स्थिति पर समझौतों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। हमारा लास्ट प्रश्न जो आपके लिए है मित्रों, जिसके आंसर का निवेदन हम कमेंट्स बॉक्स में आपसे करते हैं,
तो हमारा प्रश्न आज का आपके लिए है, किस पड़ोसी देश ने 2023 में वार्षिक मुद्रा स्फीति दर 37.97% दर्ज की है? एक बार फिर प्रश्न दोहरा लें, किस पड़ोसी देश ने मई 2023 में वार्षिक मुद्रा स्फीति दर 37.97% दर्ज की? चार ऑप्शन है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और म्यांमार। इसके जवाब की प्रतीक्षा हम कमेंट्स बॉक्स में करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं और मिलते हैं एक नई करंट अफेयर क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।